मुख्यमंत्री आपको आज अलंकृत करेंगे। 24 वर्षों का अनुभव अध्यापन का आपको प्राप्त है। आपके निर्देशन में लगभग 40 शोधार्थियों ने पीएचडी प्राप्त की है। आपके 70 शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। आप 1995 में आईसीएआर भारत सरकार के जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में आपका विशेष योगदान रहा है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आपकी लगभग 11 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। 100 से भी अधिक सेमिनार और संगोष्ठी में आपने प्रतिभाग किया है। आप ढेर सारी प्रशंसा और शुभकामनाओं के पात्र प्रोफेसर मुन्ना सिंह, आपकी करतल ध्वनि मिल जाएगी तो समारोह का आनंद भी दुगना हो जाएगा। और अब आमंत्रित करना चाहूंगी प्रोफेसर ध्रुव सेन सिंह को, भू विज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ। प्रोफेसर ध्रुव सेन सिंह, लगभग 18 वर्ष का अध्यापन अनुभव आपको प्राप्त है। 50 शोध पत्र आपके प्रकाशित हो चुके हैं। 9 छात्रों ने आपके अंडर में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। और विशेष बात, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में जाने वाले प्रथम भारतीय अभियान दल के सदस्य आप रहे हैं सन 2007 एवं 8 में। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। आपको सन 2010 में सीएसटी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विज्ञान रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। आपने भारत के प्रतिनिधि के रूप में जापान में भी परचम लहराया है। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रोफेसर जीसी पांडे को, सेवानिवृत्त अध्यक्ष पर्यावरण विज्ञान, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद। प्रोफेसर जीसी पांडे, लगभग 42 वर्ष का अध्यापन काल आपका रहा। आपकी शोध परियोजनाएं 13 थी जिनमें आपने पूरे मनोबल से साथ दिया। 20 छात्रों ने आपके अंडर में पीएचडी की है। आपके लगभग 157 शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। 5 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। और 70 से भी ऊपर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार और संगोष्ठी में आपने प्रतिभाग किया है। आपको स्वर्ण पदक से भी विभूषित किया जा चुका है। प्रोफेसर डॉक्टर सोमेश कुमार शुक्ल को, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष वाणिज्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ। डॉक्टर सोमेश कुमार शुक्ल, लगभग 31 वर्ष का अध्यापन कार्य का अनुभव आपको प्राप्त है। आप प्रोग्राम निदेशक रहे, क्लिनिक इंचार्ज, प्रोफेसर इंचार्ज। 27 शोध पत्र आपके प्रकाशित हो चुके हैं। 8 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आप पुरस्कृत भी किए जा चुके हैं। डॉक्टर सोमेश कुमार शुक्ल, आज आपको शिक्षक श्री सम्मान से भी विभूषित किया जा रहा है। आपकी तालियां बनी रहेंगी तो उत्साहवर्धन होता रहेगा। धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर उदय प्रताप सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर एंथ्रोपोलॉजी, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ। लगभग 24 वर्ष का अध्यापन अनुभव आपको प्राप्त है। छात्रों ने शोध पूरा किया है। 74 शोध पत्र आपके प्रकाशित हो चुके हैं। 9 पुस्तकें प्रकाशित हुई आपकी। अनेक कार्यशालाओं में आपने प्रतिभाग किया है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप कई बार प्रशस्ति पत्र पा चुके हैं एवं पुरस्कृत भी हो चुके हैं। डॉक्टर उदय प्रताप सिंह, ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। और अब आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर निसार विश्वविद्यालय, डॉक्टर निसार अहमद आजमी। 25 वर्ष का अनुभव आपको प्राप्त है अध्यापन का। 7 आपके शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। 6 पुस्तकें आपकी लिखी हुई प्रकाशित हुई।
लगभग 50 के करीब सेमिनार, संगोष्ठी और कार्यशालाओं में आपने प्रतिभाग किया। ढेर सारी मुबारकबाद और भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हम सब की ओर से आपके लिए, डॉक्टर निसार अहमद आजमी। बहुत ही खूबसूरत पल, यादगार, हमेशा के लिए स्वयं मुख्यमंत्री के हाथों आज आप सम्मानित किए जा रहे हैं। आप भूगोल के विशेषज्ञ विभागाध्यक्ष भूगोल रहे, 9 छात्रों ने आपके अंडर में शोध किया, लगभग 86 शोध पत्र आपके प्रकाशित हो चुका हैं और 6 शोध परियोजनाएं अभी चल रही हैं, 2 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं, 30 से अधिक सेमिनार, संगोष्ठी और कार्यशाला में आपने प्रतिभाग किया है। इससे पहले आप 3 पुरस्कार भी पा चुके हैं और पर्यावरण संरक्षण में आपका विशेष योगदान रहा है, डॉक्टर गुलाब शंकर लाल। आप बधाई के पात्र हैं, सुनहरे और उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और आते हैं। शिल्प और सामाजिक बोध विषय के आप विशेषज्ञ, लगभग 17 शोध छात्रों के अंडर पीएचडी प्राप्त की। कैबिनेट मंत्री महबूब अली साहब, मंत्री पंडित सिंह जी हमारे क्षेत्र से चुन करके आए और विभाग में मंत्री विजय गोपाल जी, अरे रामभूमि चौधरी जी, नारा राय जी, आदरणीय अवधेश प्रसाद जी, पारसनाथ जी, मुख्य सचिव साहब, आदरणीय वीसी कटियार साहब और यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय शिक्षकगण, उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, दोनों विभागों के जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, सबसे पहले जिनको आज सम्मान करने का मुझे मौका मिला उनके योगदान के लिए और लगातार परिश्रम करके उन्होंने जो पढ़ा करके आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुधारा, उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जितना अनुभव और जितनी बातें बताई गई कि कितने वर्षों से लगातार पढ़ा रहे हैं, लाखों छात्र उनसे पढ़ के गए होंगे, लाखों छात्रों को वो गुरुजन जाने या ना जाने, लेकिन मैं कह सकता हूं जितने भी छात्र पढ़ करके गए होंगे वो अपने गुरुजन को आज भी जानते होंगे और आज भी उसी समाज की दृष्टि से सोचते होंगे। बहुत बड़ा योगदान है। कई बार मैंने भी अनुभव किया है, अगर बच्चों को कोई टीचर कुछ सिखा देता है तो माँ बाप कुछ भी कहें वो अभी भी यही मानते हैं कि टीचर ने जो कहा है वो सच है। ये भरोसा और ये सम्मान आपको समाज में मिला है। ये भी आपने ठीक कहा कि एक समय था गुरु लोगों के पैर छू जाते थे। हमारे विधायक मंत्री विजय बहादुर पाल साहब, जिनको मौका नहीं दिया मैंने, अगर वो बोलते तो बहुत अपने अनुभव से भी बता देते कि गुरु खुद भी रहे। आपका सम्मान और सच्चाई ये है कि दुनिया में जितने भी मुल्क हैं तभी खुशहाल और तरक्की के रास्ते पे गए हैं जब वहां के शिक्षा का इंतजाम बेहतर हुआ है, गुणवत्ता की शिक्षा मिली है। आज जरूरत है हमारे देश को भी, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की पढ़ाई हो रही है और शिक्षा की बहुत जरूरत है। ये जिम्मेदारी सरकार की है और वहीं समाज में जो लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। लगातार आजादी के बाद जो सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, जिस रूप में निभानी चाहिए थी वो नहीं निभाई। अगर निभाई होती तो मैं समझता हूं सबको समान शिक्षा मिल जाती,
लेकिन इधर हम देखते हैं कि बहुत सारे तरह तरह की स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं, पढ़ाई हो रही है। हमारी सरकार की कोशिश है कि गुणवत्ता के साथ पढ़ाई करने का सबको अवसर मिले, और उस प्रयास में सरकार लगातार काम कर रही है। जहां आज इस जगह पर बेसिक शिक्षा के भी हमारे मंत्री बैठे हैं, माध्यमिक के भी बैठे हैं, और हायर एजुकेशन हम ही देख रहे हैं। यही तीनों हैं, अगर हम सुधार ले जाएं तो जो प्रयास हो रहे हैं बड़े स्तर पर, अगर इन्हीं तीनों चीजों को हम बहुत सुधार लें तो मैं समझता हूं परिणाम आपके देश के समाज के दूसरे होंगे। जहां आपने ठीक कहा कि नकल करने की एक संस्कृति बन गई है, और इसमें जिम्मेदार केवल सरकार नहीं है। जब मैं लोकसभा का सांसद था, मैंने खुद देखा है स्कूलों के बाहर किस तरीके से बच्चों के मां बाप या सहयोगी साथी आकर के किस तरीके से नकल कराते हैं। अभी जितने भी नौकरियां हैं बिना परीक्षा के नहीं हो सकती, कुछ जरूर मिल सकती हैं, लेकिन आने वाले समय में ये जरूर होगा कि सभी में परीक्षा करानी पड़ेगी। तो क्या किस दिशा में हम लोग ले जा रहे हैं, जहां अच्छी संस्थाएं भी हैं, खराब भी संस्थाएं भी, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। उन बुराइयों पे आज मैं नहीं जाना चाहता हूं, तो कर लेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वो अली साहब को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अपने मंत्रीगण का भी, जो लगातार सरकार को मदद कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आगे बढ़ाने में लगातार अपना हमें सहयोग दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मानव को सुसंस्कृत एवं सभ्य बनाकर आदर्श समाज का निर्माण करती है, और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा अनेक सराहनीय प्रयास इस दिशा में किए गए हैं, जिसके अंतर्गत आज विद्यालयों का लोकार्पण भी होगा और शिलान्यास भी, और वो भी स्वयं मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों द्वारा। सबसे पहले राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सैफई इटावा, इस कॉलेज का लोकार्पण हो गया है, जिसकी लागत